नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ड्यूरेशन के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्जेनाइटल, इन्फेंटाइल और चाइल्डहुड। आप देखें, कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो लाइफ के 3 मंथ्स, शुरुआती 3 महीने के भीतर ही जिसके फीचर्स आने लगते हैं, यानी जन्म के समय या फिर शुरुआती 3 महीने में कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, और 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच में अगर शुरुआत होती है तो इसे इन्फेंटाइल नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, और 1 साल के बाद अगर हो रहा है तो चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कौन से जीन इफेक्टेड होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें इसे फिनिश टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें NPHS1 जीन का म्यूटेशन देखा जाता है, NPHS1 जीन का म्यूटेशन देखा जाता है। ये इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है विल्म्स ट्यूमर सप्रेशर 1 जीन का भी म्यूटेशन हो सकता है, जिसमें डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस देखी जाती है। तो कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि शुरुआती 3 महीने में क्या क्या फीचर्स होंगे, एनएसआर का, हाइपोएल्बिनेमिया, ऑलिगुरिया, ये फीचर्स होते हैं। इसे फिनिश टाइप नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसे एंटीनेटली डिटेक्ट किया जा सकता है AFP के बढ़े हुए लेवल को देख करके। तो मैटरनल सीरम और एमनियोटिक फ्लूइड में AFP का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ऐसे बच्चे फेल्योर टू थ्राइव इन्फेक्शन के लिए ज्यादा उनमें होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और इसे प्रॉपर कंट्रोल न किया जाए तो अगले 2 से 3 सालों के भीतर रीनल फेल्योर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल की ही, बर्थ या फिर शुरुआती 3 महीनों में हमने इस बात को कर लिया। जीन्स कौन से अफेक्टेड होंगे, NPHS1 जीन जिसे नेफ्रिन जीन कहा जाता है, इसे फिनिश टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना NPHS1 जीन इन्वॉल्व होता है, फिनिश टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें NPHS2 जीन का भी म्यूटेशन हो सकता है जिसे पोडोसीन कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म पूछा जाता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के टॉपिक में हम लोगों ने अब तक कवर किया कॉन्जेनाइटल, फिर इन्फेंटाइल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया, इसमें बताया फिनिश टाइप कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फिर डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस जो विम्स ट्यूमर के मामलों में होता है, इसके अलावा डेनिस ड्रायस सिंड्रोम भी इसमें शामिल है। इसके बाद की जो बात कर रहे हैं प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो प्राइमरली किडनी की अपनी फॉल्ट की वजह से होता है, तो यहां पर मिनिमल चेंज डिजीज सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिनिमल चेंज डिजीज होता है। यह 4 साल इसका मेन एज ग्रुप होता है, हालांकि 2 ईयर से लेकर 6 ईयर तक इसका एज ग्रुप अफेक्ट होता है, लेकिन 4 ईयर्स इसका मेन एज ग्रुप माना गया है। इसमें कोई हिमेचूरिया नहीं होगा, नॉर्मल C3 का लेवल होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल होगा। बात समझ रहे ना, क्योंकि मिनिमम चेंजेस हैं। आप मेडिसिन के लेक्चर में इस बात को पढ़े हुए हैं। यहां दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे प्राइमरली जो नेफ्रॉन्स की प्रॉब्लम है तो इसमें मोस्ट कॉमन मिनिमल चेंज डिजीज है। दूसरे कारणों में मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर FSGS, ये दोनों ही 5 से 10% मामलों में होते हैं। फिर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये कुछ दूसरे रेयर कॉजेज हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप, सबसे ज्यादा मिनिमल चेंज डिजीज को याद रखना, उसके बाद मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, फिर FSGS को याद रखना है। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी किसी और वजह से किडनी डैमेज हो रही, यानी SLE का मामला है, HSP का मामला है, डायबिटीज मिलिटस, HIV, वैस्कुलाइटिस के मामलों में भी किडनी प्रभावित हो सकते हैं, नेफ्रॉन्स प्रभावित हो सकते हैं। कुछ मैलिग्नेंसी जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ड्रग्स लेने पर जैसे हीरोइन, इंटरफेरॉन्स, लिथियम, फिर इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मा, CMV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, सी के प्रॉब्लम्स भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा सकते हैं। हालांकि इंडिया में यह प्रॉब्लम मलेरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मलेरिया है, प्लाज्मोडियम मलेरी के साथ एसोसिएटेड है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे कारण इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम
जिसका मोस्ट कॉमन कॉज मिनिमल चिन्स डिजीज होता है। मैंने बताया 4 साल इसका मीन एज ग्रुप है, हालांकि 2 to 6 years के बच्चों में होता है। इसमें कोई भी हिमेचूरिया नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, सीरम C3 का लेवल नॉर्मल बना रहता है। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे कारण मैंने गिनाए, इंडिया में क्या कारण बताया, इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन, वो भी मलेरिया का इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा मलेरी प्लाज्मोडियम का जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला फॉर्म है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वो एक्चुअल में रीनल फेल्योर करा देता है। वो क्या कराता है, रीनल फेल्योर। तो हमें ध्यान रखना है, मलेरिया इंडिया में, और वो भी एसोसिएट विद प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के साथ होगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, पूरा का पूरा रीनल या किडनी फेल्योर हो जाता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, हम इसको मेडिसिन में पढ़ते रहें, ज्यादा घबराना नहीं है, पैथो में भी इसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन का लॉस यूरिन में 3.5 ग्राम पर 24 आवर या 40 mg/m² per hour ध्यान रखना है। इसकी बजाय इसको ज्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, जब प्रोटीन का लॉस होता है तो बॉडी स्वेल कर जाती है, इसीलिए हम सरफेस एरिया को ज्यादा फोकस करते हो। पर आर पर मीटर स्क्वायर एरिया में 40 mg प्रोटीन का लॉस हो रहा है, या फिर यूरिन में प्रोटीन इतना ज्यादा हो गया कि प्रोटीन जो निकल रहा और क्रिएटिनिन जो पहुंच रहा है, दोनों का रेशियो में प्रोटीन ज्यादा है, और वो भी कितना, 2 गुने से ज्यादा हो, तो यूरिनरी प्रोटीन इज टू क्रिएटिनिन का रेशियो 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, जाहिर सी बात है प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इस वजह से प्रोटीन क्रिएटिनिन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया है। बात समझ में आया। दूसरा यह है कि अगर प्रोटीन ज्यादा लॉस हो रहा है तो कौन सा प्रोटीन ज्यादा लॉस हो रहा है, एल्ब्यूमिन, इसी वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन में जिसकी मात्रा होती 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया मीन्स ये जो हाइपो एल्ब्यूमिन का लेवल सीरम में मिल रहा है वो 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, चूंकि ये प्रोटीन का लॉस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब भी प्रोटीन का लॉस होता है तो लीवर इसको बनाने का प्रयास करती है, लेकिन जब इसे लीवर बनाने का प्रयास करती है तो न सिर्फ प्रोटीन बनाती है बल्कि लिपिड्स भी बना देती है। इसी वजह से प्रोटीन्स और लिपिड दोनों बनते हैं, जिसमें प्रोटीन तो लॉस होने लगता है, इसी वजह से हाइपोएल्बुमिनिया मेंटेन रहेगा, लेकिन जो लिपिड्स बन रहे हैं वो पड़े रहते हैं। आपको पता ना, लिपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, तो इस वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लीवर के द्वारा लाइपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ने की वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा। क्या आप कारण समझ पा रहे हैं, लाइपोप्रोटीन, चूंकि ये जब प्रोटीन का लॉस होगा तो लाइपोप्रोटीन्स बनेंगे, जिसमें लिपिड नहीं छनता, प्रोटीन का लॉस होता रहेगा, इसलिए हाइपोएल्बुमिनिया मिलेगा और ज्यादा लिपोप्रोटीन्स बनेंगे, इसलिए हाइपरलिपिडीमिया हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद लिपिड्स भी यूरिन में लॉस होने लगते हैं, तो लिपिड यूरिया भी मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, ऐसे पेशेंट्स में एडिमा, अब सवाल यह उठता है एडिमा क्यों होता है, एडिमा का भी कारण होता है। एडिमा के होने का कारण यह है कि जब प्रोटीन का लॉस होगा तो आप समझ सकते हैं ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑंकोटिक प्रेशर है ब्लड का, वो घट जाएगा, जिसके कारण फ्लूइड बाहर निकल जाएंगे, इसलिए एडिमा हो जाता है। बात समझ रहे ना, एडिमा यहां पर प्रेजेंट होता है, और जब फ्लूइड का लॉस हो गया बाहर, प्रोटीन का लॉस हुआ, इसके कारण ऑंकोटिक प्रेशर कम हुआ, ऑंकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में चला गया, इसके कारण आप समझ सकते हैं टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड में वो कम हो जाएगा, जिसके कारण रीनल परफ्यूजन कम होगा, जिसके कारण रास एक्टिव होगा, रास एक्टिव होने की वजह से एडिमा एक बार और हो सकता है। आप समझ सकते हैं ना, एडिमा का कारण ये हो सकता है, और हाइपरटेंशन की जो प्रेजेंस होती है वो रास एक्टिवेशन की वजह से होती है। चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो समझ पाएंगे, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी यहां पर बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शंस के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटीन्स के रूप में ना सिर्फ एल्ब्यूमिन बल्कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लॉस होने लगते हैं, तो यूरिन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लॉस होना यानी एंटीबॉडीज हैं वो लॉस हो रही हैं, इस वजह से
इन्फेक्शंस के होने के खतरे बढ़ जाते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो होता है यहाँ वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और फॉलोड बाई इकोलाई। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फॉलोड बाई इकोलाई यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस यहाँ बैक्टीरियल पेरिटोराइटिस भी संभव है। ऐसे इन्फेक्शन की वजह से स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी संभव है, और जब हम पेरिटोनियल फ्लूइड की जांच करते हैं तो उसमें पर क्यूबिक एमएम वॉल्यूम में 250 से ज्यादा ल्यूकोसाइट्स की प्रेजेंस मिलती है। बात समझ रहे हैं, इन्फेक्शन होने के खतरे हैं। इन्फेक्शन अगर हुआ तो स्पॉन्टेनियसली बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होने के खतरे होते हैं, और इसकी जांच करने पर हमें 250 से ज्यादा ल्यूकोसाइट्स पर क्यूबिक एमएम वॉल्यूम ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड्स में मिलता है। ऐसे मामलों में एम्पिरिकल थेरेपी क्या दी जा सकती है? एम्पिरिकल थेरेपी के रूप में हम थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स को दे सकते हैं। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की प्रॉफिट आपको पता है ना, थर्ड जनरेशन एरोबिक और एनएरोबिक्स दोनों को कवर कर लेता है। तो इन्फेक्शंस होने के खतरे, इन्फेक्शंस का एक्सटेंट क्या क्या हो सकता है उसकी बात हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड होता है। हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का हाइपर कोआगुलेबिलिटी क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन 3 का लॉस हो जाता है। ऐसे प्रोटीन्स का लॉस हो गया जो कोआगुलेबिलिटी नहीं होने देते हैं, उनका लॉस हो जाने की वजह से हाइपर कोआगुलेबिलिटी होने की कंडीशन मिल जाती है। और ये लॉस हो गया प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन 3, इसके बारे में हम हेमाटोलॉजी में डिस्कस किए हुए हैं। तो इनके लॉस होने की वजह से हाइपर कोआगुलेबिलिटी होगी, जिसके कारण मोस्ट कॉमनली रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसे मैनेज कैसे करेंगे।